एबीपीएस न्यूज सच का साथी। वर्दी का कहर अभी भी जारी। खाकी के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की गुंडई आई सामने। मामली कहा सुनी को लेकर की गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस लाइन से आए ट्रैफिक सिपाहियों ने की तोड़फोड़। कार सवार तीन ट्रैफिक सिपाहियों ने की पहचान वालों से अभद्रता और गाली गलौज। नशे में धुत सिपाही प्रांजल सैनी और प्रदीप यादव की करतूत से एक बार फिर हुई किरकिरी। तोड़फोड़ कर दबंग भी मौके से फरार। पीड़ितों ने दी थाने में तहरीर। सीसीटीवी में कैद हुई आते हुए दबंग सिपाहियों की तस्वीर। थाना बाजार खाला के नंदखेड़ा क्षेत्र का मामला। मामला ये था कि ये उसमें से एक लड़का जो है वो धीरेंद्र है, जो शक्तिनगर ढाल के पास में रहता है और मैं उसको पहले से जानता हूँ, और दूसरा है प्रदीप यादव जो कि मेरा दोस्त है भी, लेकिन दारू के नशे में आकर इस तरीके से हमारे घर पे हमारी माँ को गाली दी, बहन को गाली दी और पापा भी थे उनको भी उल्टा सीधा कहा, मेरे घर के बाहर दरवाजे में लात वात मारा और मेरी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ करी, जो कि मेरी गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। किस बात जिसके और प्रांजल सैनी जो कि इस समय ट्रैफिक पुलिस लाइन में वो भी है, ठीक है, वो भी उनके साथ में मौजूद था, उसने रॉड से हमारी गाड़ी को तोड़फोड़ करी है गाड़ी के साथ में। कौन कौन उसमें ट्रैफिक सिपाही कौन है, कितने लोग थे ये? तीन लोग थे जिसमें से दो लोग ट्रैफिक पुलिस में हैं और प्रांजल सैनी और दूसरा प्रदीप यादव। किस बात को लेकर के उसने तोड़फोड़ की, क्या मामला था? घर के बाहर तो यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जो है मेरा पैसा लिया है और पैसा नहीं दे रहा है, जबकि लेन देन उसमें कुछ नहीं था, लेन देन सिर्फ तसले और फड़वे का था, जो कि मैंने कुछ समय पहले इंटरगल यूनिवर्सिटी के पास में अपना प्लाट बनवाया था और उस चक्कर में मैंने ये धीरेन्द्र ने ही मुझे तसला और फड़वा प्रांजल के यहाँ से ला के दिया था, जिसके लिए प्रांजल ने एक दो बार मुझे फ़ोन भी किया तो मैंने बोला भी कि यार उधर जाना नहीं हो रहा है, मैं जब जाऊँगा तो तुम्हें दे दूँगा ला के। और आज इतने ज़्यादा दारू के नशे में थे ये लोग कि इस तरीके से आके उसी के पीछे चिल्ला ये भी बोल के गए हैं और मेरे घर के बाहर जो है बदतमीजी करके गए हैं। आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ मैंने दी। क्या कार्रवाई आगे की करी है? मैंने उसमें इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है और यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने सिर्फ इतना लिखाया है कि हमारे घर के बाहर आकर अभद्रता की है, मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की है, मेरे घर वालों को गाली दी है और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सब लोग मेरे साथ में उठने बैठने वाले ही थे पुराने, और जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा उसको लिहाज में रखते हुए मैंने इन सब चीज़ों को नहीं लिखा है।